नमस्कार, मैं शिवानी धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि में एक बड़ा कदम है। बिहार सरकार ने अगले 3 महीने यानी 25 दिसंबर तक बिहार में बालू खनन की इजाजत दे दी है। सरकार ने फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया है कि जो पुराने बालू घाटों के ठेकेदार हैं उन्हें ही अगले 3 महीने तक के लिए बालू खनन की इजाजत दी जाती है। और इसी के साथ आज से राज्य में पुराने बंदोबस्ती के साथ बालू खनन शुरू हो गया है। पिछले 50 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे खड़गे ने शनिवार को राज्यसभा में विपक्षी नेता की पोस्ट से रिजाइन करके साफ कर दिया है कि उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय है। बिहार में दुर्गा पूजा, दशहरा और नगर निकाय चुनाव के दौरान माहौल बिगड़ने की आशंका है। खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस चौकस हो गई है। बिहार की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक त्यौहार और चुनाव के बीच सुबह में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं। भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कनाडा में स्थित दूतावास के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थन में था, जिसके बाद भारत में पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ बड़ी डिजिटल स्ट्राइक हुई है। खगड़िया के महेश खूट थाना इलाके के काजूचक के पास कार हादसा में मरे 3 लोगों की पहचान हो गई है। मरने वालों में ओमकार भानु जो किशनगंज के उद्योग विस्तार पदाधिकारी थे, जबकि विनोद कुमार जो पटना सचिवालय के अस्टोनो थे, वहीं रंजीत कुमार कार चालक था। तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। मौजूदा समय में राज्य में अजुजा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 6% आरक्षण हासिल है। बिहार के इतिहास में सम्राट अशोक की बराबरी कोई नहीं कर सकता, फिर भी आज के समय में उनके द्वारा बनवाए गए शिलालेख पर कब्जा कर मजार बना दिया गया। अब सम्राट अशोक को फिर से उनका हक वापस दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी रोहतास में धरने पर बैठ गए हैं। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर्स आशुतोष गोवारिकर, सुनीता गोवारिकर, डायरेक्टर मृदुल तुलसीदास और चाइल्ड एक्ट वरुण बुद्धदेव ने दिल्ली में आयोजित 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2020 के समारोह में अपनी फिल्म तुलसीदास जूनियर के लिए 2 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। भागलपुर के ढोल बज्जा से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला और आरोप सामने आया है। नाइट पेट्रोलिंग पर निकले पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोककर एक घर के बाहर रखे टेबल फैन को उठा लिया और दबे पांव चलते बने। मामला संज्ञान में आया तो नवगछिया एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। अरुण गोविल हाल ही में शांभाजी नगर की रामलीला में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। अरुण गोविल जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके चाहने वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। अरुण गोविल के फैंस आज भी उनमें श्री राम की छवि देखते हैं। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म विक्रम वेधा ने पहले दिन उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन किया है। फिल्म को जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिली थी और ज़्यादातर सिनेमाघर हाउसफुल हो गए थे। इन दोनों ही सितारों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और दमदार एक्शन मूवी होने के साथ साथ पहली बार दोनों की टक्कर दिखाई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में आज भारी वर्षा की संभावना है। एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पूर्व और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। इसके कारण 2 अक्टूबर से पूर्वी भारत में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के जहानाबाद में पटना गया रेलखंड पर स्थित मखदूमपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात बीपीएससी परीक्षार्थियों ने रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव कर दिया। हालांकि इस दौरान किसी को चोट तो नहीं आई, मगर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि नेड़ हॉल्ट पर एक पैसेंजर ट्रेन से टेम्पो के टकरा जाने से देरी होने पर परीक्षार्थी उग्र हो गए। आज से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई है। इस महीने से भी कई नियम बदल रहे हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड से लेकर सरकारी स्कीम्स के नियमों में हुए बदलाव तक शामिल हैं। साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव आज से लागू हो गया है। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट किया है कि सरकारी कृपा दृष्टि के कारण भारत के उद्योगपतियों की निजी पूंजी में अभूतपूर्व वृद्धि होने से अब विश्व के धनासेठों में उनकी गिनती है, परंतु देश में करीब 130 करोड़ गरीब और निम्न आय परिवारों के जीवन में थोड़ा भी सुधार नहीं होना अति चिंता का बात है। सरकार इस खाई को कैसे पाटेगी।
केंद्र सरकार ने केरल में आरएसएस के 5 नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। यह फैसला उन पर हमले के संभावित खतरे के मद्देनजर लिया गया है। मीडिया में चल रही खबर के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा पीएफआई के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनसे संकेत मिले हैं कि ये नेता पीएफआई के निशाने पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत के चतुर कूटनीति ने चीन को एयू के यूएस के खिलाफ अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सामान्य सम्मेलन 26 से 30 सितंबर 2022 तक वियना में आयोजित हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का सामना करने के उद्देश्य से 2021 में एक सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है और बारिश के कारण शनिवार को इस यात्रा में विलंब हुआ। कर्नाटक में आज यात्रा का दूसरा दिन है और गुंडलुपेट में मूसलाधार बारिश की वजह से यात्रा बाधित हुई। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट और रेपो रेट से संबंधित उधार दर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद EBL 8.55% हो गया है और RLLR 8.15 पर पहुंच गया है। बैंक ऑफ इंडिया ने RBLR बढ़ाकर 8.75% कर दिया है। ICICI बैंक ने भी अपने EBLR बढ़ाकर 9.60% कर दी है। नई दरें शनिवार यानी आज से प्रभावी होगी। नए महीने के पहले दिन LPG सिलेंडर के दामों में कमी की गई है। बता दें कि बीते दिन नेचुरल गैस की कीमतें लगातार आसमान छू रही थी। इन सब के बावजूद भी गैस सिलेंडर के रेट कम किए गए हैं। ये कटौती कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट में हुई है। घरेलू गैस के दाम पहले वाले ही रहेंगे। जसप्रीत बुमराह के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबरों पर BCCI की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है। इन खबरों के बीच BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने इस बात का खंडन कर दिया है कि बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। गांगुली ने कहा कि नहीं, बुमराह अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल और बायोडीजल के मिश्रण के बिना बिकने वाले पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने वाले फैसले को टाल दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात सूचना जारी करते हुए कहा कि इथेनॉल और बायोडीजल के मिश्रण के बिना बिकने वाले पेट्रोल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी अब 1 नवम्बर 2022 से और डीजल पर अप्रैल 2023 से लागू होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट PG राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। MCC ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का MCC.NIC.IN पर किया गया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुई एक बड़ी मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कुछ देर पहले ही ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की। बता दें कि शुक्रवार को स्थानीय पुलिस, भारतीय सेना और SSB ने संयुक्त घेराबंदी कर पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में अफस्पा का विस्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव से भारत, चीन सहित 4 राज्यों ने दूरी बना ली है। भारत, चीन, ब्राजील और गैबोन देश ने इस प्रस्ताव से खुद को अलग करते हुए वोट नहीं किया है। जानकारी हो कि इस प्रस्ताव को रूस ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर खारिज कर दिया। केदारनाथ मंदिर के करीब एक बार फिर एवलांच हुआ है। हालांकि यह कितनी दूर हुआ है इसका अभी पता नहीं चला है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इससे केदारनाथ मंदिर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका वीडियो सामने आया है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर चीफ जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि 2 बच्चों का नियम कानून लागू करने का आदेश हम कैसे दे सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि आप बताइए कि इस कानून की जरूरत क्यों है, उसके बाद ही हम नोटिस देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को अब फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इलियासी का कहना है कि उन्हें इंग्लैंड से फ़ोन कर एक शख्स ने पहले तो नाराज़गी जताई, फिर अपशब्दों का प्रयोग किया और अंत में धमकी दी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू कुमार, रोहित कुमार, मोटू रंगेला, छोटू कुमार, कलामुद्दीन अंसारी, मोहम्मद नौशाद, रजा, पीयूष रजा और अर्जुन राम।
इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपने COVID-19 वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लिया? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।